गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी अनुपात समानुपात और एक एक विधि के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम जानेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो इज़ द मेथड ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़। इसमें क्या है, किसी भी अनुपात दो मात्रा की तुलना की विधि है, ये एक प्रकार की भिन्न है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्रैक्शन। वी नोन दैट एवरी फ्रैक्शन एंड कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेशियो। ओके, दस इन जनरल वी कैन से दैट रेशियो ए रेशियो वी इन फ्रैक्शन एंड एक्सप्रेस एज ए अपॉन बी, वेयर ए इज़ अ न्यूमरेटर एंड वी इज़ अ डिनोमिनेटर। इसमें जो फ्रैक्शन दिया है ए रेशियो वी, ए रेशियो वी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए अपॉन बी में। ओके स्टूडेंट, जो हमारा ए होता है ये हमारा होता है न्यूमरेटर, जिसे अंश कहते हैं, और जो हमारा बी है ये होता है डिनोमिनेटर, जिसे हम हर कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रोपोर्शन को हम रेशियो या प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम थोड़ा सम से एग्जाम्पल से समझेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें इस एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 40 स्टूडेंट है, देयर आर 25 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स, जिसमें 25 बॉयज़ हैं और 15 गर्ल्स हैं। एक्सप्लेन देन इन रेशियो, तो हमें इसे रेशियो में रिप्रेजेंट करना है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40, तो 40 में से 25 बॉयज़ हैं और 15 गर्ल्स, तो इसको हम रेशियो में नंबर ऑफ रेशियो बॉयज़ टू गर्ल्स का लिखेंगे 25:15। इसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा न्यूमरेटर और जो 15 होगा डिनोमिनेटर, या इसे अंश कहेंगे, इसको हर कहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 25:15, तो ये हमारा पोर्शन कहलाता है रेशियो या अनुपात में। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें हम एक्सट्रीम टर्म्स और मिडिल टर्म्स जाने, मतलब चरम पद और मध्य पद, हमको फोर रेशियो दिएंगे 4 डिजिट का। तो जो हमारी मिडिल डिजिट होगी, जो हमारा मिडिल में डिजिट होगी, वो हमारा कहलाता है मध्य पद या मिडिल टर्म्स। ओके स्टूडेंट, जो हमारी बाहर की डिजिट होगी ये कहलाता है एक्सट्रीम टर्म्स या चरम पद। तो इस टर्म्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इसका हम प्रोडक्शन निकालेंगे तो हमारा प्रोडक्शन होगा इसका, इससे मल्टीप्लाई होगा ए मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू, बीच में हमारा इज इक्वल टू आएगा, और इसका मिडिल टर्म्स का आपस में मल्टीप्लाई होगा वी मल्टीप्लाई बाई सी। तो हमारा इनका प्रोडक्शन इस तरीके से होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम इन रेशियो को प्रोडक्शन में ये तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट दिया है 3:15, 3:15। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको रेशियो हटाएंगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 हमारा न्यूमिनेटर या अंश होगा, 15 हमारा डिनोमिनेटर मींस हर होगा, तो इसको हम लिखेंगे 3:15। ओके स्टूडेंट, तो अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। तो स्टूडेंट 3:15, तो हम इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 3 और 15 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे, ये 3 से डिवाइड देंगे 1 टाइम, 3 से आएगा 5 टाइम, और ये 5 से आएगा 1 टाइम, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 इसमें हम निकालेंगे HCF, तो HCF हमारा होगा 3 का माय प्रोडक्ट होंगे, या फिर 3:1, 5 का इसमें हमें होगा 5:3, तो हम इसका निकालेंगे HCF, तो HCF हमारे क्या मिलेगा, HCF जो दोनों में कॉमन हो, तो 3 कॉमन है तो हमारा HCF आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट, जो हमको रेशियो दिया है इसमें हम 3 का न्यूमिनेटर में और 3 का डिनोमिनेटर में डिवाइड कराएंगे, तो 3 का डिनोमिनेटर कराएंगे 3:15 डिवाइडेड बाई 3 से, तो 3 से आएगा 1 टाइम, 3 का 3 में डिवाइड देंगे जो जाएगा 1, और 3 का डिवाइड 15 में आएगा यह आएगा 5 टाइम। ओके स्टूडेंट, तो हमारा 1:5 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा या सरलतम रूप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है 2:10, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप में रिप्रेजेंट करना है। इसको हम रिप्रेजेंट सबसे पहले इसे हम रेशियो में लिख लेंगे 2:10। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो इसे हम अंश या हर कहेंगे। तो सिंपल, ये हमारा HCF ले लो, HCF ले लो, या हमारा LCM निकाल लेंगे, तो ये हम HCF से करेंगे, तो हमारा HCF क्या होगा, इसमें HCF निकालेंगे या 2, या सीधे सीधे 2 से डिवाइड देंगे, ये 1 टाइम जाएगा, 2 से डिवाइड देंगे ये 5 टाइम जाएगा, तो हमारा रेशियो प्राप्त
आ जाएगा 1:5 या 1:5। ओके स्टूडेंट, तो इसे हम रेशियो में लिख सकते हैं 1:5। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 6,9,x,6 ये आर इन प्रोपोर्शन। तो ये क्या है कि जो हमें डिजिट दिए है ये प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले हमें प्रोपोर्शन फॉर्म में लिख लेंगे। तो 6:9 प्रोपोर्शन साइन x:6। ओके स्टूडेंट, तो इसका हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा जो एक्सट्रीम टर्म्स है हमारा 6,6 है, और जो मिडिल मीन्स है या मिडिल टर्म्स है हमारा 9 है। तो हमारा प्रोडक्शन होगा 6×6=9×x। ओके स्टूडेंट, तो हमारा इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 6 का, तो 6×6=36=9x। तो 9 का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, तो 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके डिवाइड में आ जाएगा 9=x। तो 9 का डिवाइड हम 36 में देंगे, 9 का डिवाइड 36 में देंगे, तो वहाँ 4 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th का 3rd क्वेश्चन, जो हमको डिजिट दी गई है x:15,6,45 आर इन प्रोपोर्शन। ये हमारा प्रोपोर्शन फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम इसे प्रोपोर्शन फॉर्म में लिखेंगे। x:15:6:45। ओके स्टूडेंट, तो हमारा एक्सट्रीम टर्म्स या चरम पद, जो हमारा चरम पद या एक्सट्रीम टर्म्स होगा, तो हमारा एक्सट्रीम टर्म्स ये होगा x में, और मिडिल टर्म्स हमारा 15×6 होगा। ओके स्टूडेंट, तो 45 का मल्टीप्लाई होगा x में = 15 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, तो 15×6, तो हमारा 45 इसके मल्टीप्लाई में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इसके डिवाइड में आएगा 15×6/45। ओके स्टूडेंट, अब इसका हम डिवाइड देंगे। तो हमारा ये 15 से 1 टाइम जा रहा है, 15 से इसे डिवाइड देंगे, 15 से कितने टाइम, 3 टाइम जाएगा, तो वी गेट 6, ऊपर 6 बचेगा और नीचे क्या आएगा 3। ओके स्टूडेंट, तो 3 का डिवाइड हम देंगे 6 में, 3 का डिवाइड 6 में देंगे कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।